ये अवार्ड सेरेमनी चल रही है उन बहादुरों के नाम, सीआरपीएफ जवान जिन्होंने कल जो इनकाउंटर हुआ था नगरोटा में उसमें परफॉर्म किया था, बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। सीआरपीएफ ही ऐसी फोर्स है जो कल वहां पे आर्म्ड थी, जो नाका वहां पे लगा था, पहले सबसे पहले इंटरसेप्ट किया था सीआरपीएफ के जो जवान वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे और आर्म्ड थे, क्योंकि आज सीआरपीएफ ने साफ कर दिया है कि वहाँ इकलौती जो फोर्स आर्म्ड थी जब जे मिलिटेंट्स वहाँ पे इंटरसेप्ट हुए वो सीआरपीएफ थी। सबसे पहले जो मिलिटेंट्स को मार गिराया था, टेररिस्ट को मार गिराया था, वो सीआरपीएफ के जवानों द्वारा ही मार गिराया था और उन्हीं की परफॉर्मेंस को लेकर ये सभी वही जवान हैं सीआरपीएफ के जिन्होंने कल के इनकाउंटर में इंपॉर्टेंट रोल निभाया, तीन टेररिस्ट को मार गिराया और तीन को जिंदा पकड़ दिया। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ में थी और यहाँ आज सीआरपीएफ के डीजी जो हैं वो स्पेशल इनकी हौसला अफजाई करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं और अवार्ड दिए जा रहे हैं सीआरपीएफ के जवानों को, चाहे इनका मोराल जो है हाई रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कल का इनकाउंटर हुआ था, बड़ा इनकाउंटर हुआ था जिसमें छः लोग जो एक ट्रक में बैठकर आए थे नगरोटा में, और सबसे पहले सीआरपीएफ के जवान जो वहाँ पे आर्म थे, हालांकि लोकल पुलिस के जवान भी यहाँ थे, वो आर्म नहीं थे, ऐसा सीआरपीएफ ने आज साफ कर दिया है। और सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स थी जो आर्म्ड लोग वहाँ पे थे, उन्होंने पहले टेररिस्ट को वहाँ मार गिराया, उसके बाद पूरे जंगल की घेराबंदी की और दो टेररिस्ट को मार गिराया और इम्पोर्टेंट रोल सीआरपीएफ ने वहाँ निभाया था। डीजी सीआरपीएफ आज स्पेशल जम्मू आए और इन जवानों की हौसला अफजाई की और आज यहाँ इनको इनाम दिए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो हौसला अफजाई अपने सीनियर से मिलती है तो इन जवानों का मोराल बूस्ट होता है, अपनी जान पे खेलकर देश की रक्षा करने के लिए। सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा सामने रहती है, चाहे मल्टीटास्कर फोर्स उसको जरूर कहेंगे, क्योंकि लॉ ऑर्डर मेंटेन करना हो या कोई स्पेशल ड्यूटी हो या इस तरह के इनकाउंटर कंडक्ट करने हो तो सीआरपीएफ का अहम रोल रहता है। और कल का जो इनकाउंटर नगरोटा में हुआ उस पर सीआरपीएफ का अहम रोल था। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आज उनके सीनियर डीजी सीआरपीएफ जम्मू आए और आज इनको अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और आगे भी सीआरपीएफ पूरे भारत की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए और ऐसे टेररिस्ट से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और आगे भी इस तरह के काम करती रहेगी। नगरोटा से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, यू फॉर यू के लिए।